जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, अपना चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस ने सीधा सीधा विकास के नाम पर, जो दिल्ली में विकास हुआ शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में और पहले, सड़कों में, फ्लाईओवर्स में, स्टेडियम में, पर्यावरण के लिए, वो जनता के सामने रखने का प्रयास किया। और भारतीय जनता पार्टी ने देश और समाज को बांटने का काम करते हैं, वही उनका चुनाव प्रचार होता है। और अभी जो मतगणना हो रही है और रुझान आ रहे हैं, मेरा ये मानना है ये बहुत शुरुआती दौर का रुझान है और जनता जो फैसला करेगी वो सामने होगा, वो मंजूर होगा हमको। लेकिन अभी एक निश्चित रूप से कह देना कि कौन बढ़ रहा है, कौन आगे सरकार बनाने के करीब है, ये कहना मुश्किल है। अब सर, बीजेपी ने आज जो है सभी अपने राज्यसभा के सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है, उन सबको सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि कुछ जरूरी बिजनेस जो है आज राज्यसभा में लाया जा सकता है। देखिए, राज्यसभा के जो शेड्यूल है आज का, उसमें बजट में डिस्कशन है और इसीलिए 11 बजे जीरो आवर क्वेश्चन आवर उसको हटाते हुए 11 बजे से ही बजट के ऊपर चर्चा प्रारंभ होनी है। उन्होंने व्हिप किस लिए जारी किया है? क्योंकि बजट में कोई निर्णायक वोट राज्यसभा में नहीं होता है, वो सिर्फ डिस्कशन करके और रिटर्न करना होता है।